वेलकम बैक टू द सीके किचन। आज हम बना रहे हैं समर स्पेशल सबकी फेवरेट मैंगो पिस्ता आइसक्रीम एंड चॉकलेट चिप आइसक्रीम। ये आइसक्रीम बहुत ही इजी है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हम एक ही बैटर से दोनों तरह की आइसक्रीम बनाएंगे। सबसे पहले हम 250 ml चिल्ड अमूल क्रीम लेंगे और इसी के साथ हम 100 ml कंडेंस्ड मिल्क लेंगे और इसे हम अच्छे से हैंड बीटर से 2 से 3 मिनट के लिए विस्क करेंगे। अगर आपके पास हैंड बीटर नहीं है तो आप मैनुअल बीटर से तेज हाथ चलाकर 5 से 6 मिनट के लिए विस्क करेंगे और स्लो हाथ चलाएंगे तो 10 से 12 मिनट के लिए विस्क करेंगे। अब हम अपने बैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे ताकि हम मैंगो और चॉकलेट आइसक्रीम बना सकें। अब हम अपने आइसक्रीम के बेस में 3 टेबलस्पून मैंगो पल्प डालकर अच्छे से विस्क करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अब हम अपने आइसक्रीम मोल्ड में चॉप्ड पिस्ता डालेंगे और अपना रेडी किया हुआ मैंगो बैटर स्पून से फिल करेंगे और 7 to 8 आवर्स के लिए हम अपनी आइसक्रीम को फ्रीज करेंगे। आप क्रश्ड पिस्ता को मैंगो बैटर में डायरेक्ट भी मिक्स करके डाल सकते हैं। अब हम अपने आइसक्रीम के बैटर में 2 टीस्पून कोको पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स करेंगे। मेरे बच्चों को डार्क डेंस चॉकलेट आइसक्रीम पसंद है तो मैंने 2 टीस्पून डाला है। अगर आप डेंस आइसक्रीम नहीं पसंद करते तो 1 टीस्पून डालकर अच्छे से मिक्स करें। अब हम अपने आइसक्रीम मोल्ड में चोको चिप डालकर अपने आइसक्रीम बैटर को पोर करेंगे और 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज करेंगे। आप चोको चिप को आइसक्रीम बैटर में पहले भी मिक्स करके फ्रीज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि आप मेरे बताए गए इंग्रेडिएंट्स की रेशो के अकॉर्डिंग ही आइसक्रीम बनाएं, तभी आपकी आइसक्रीम मार्केट जैसी क्रीमी और टेस्टी बनेगी। अगर आपके पास आइसक्रीम मोल्ड नहीं है तो आप पेपर कप और प्लास्टिक कप में भी आइसक्रीम को फ्रीज कर सकते हैं, बट आपको फ्रेश रैप से इसे अच्छे से कवर करके 7 to 8 आवर्स के लिए फ्रीज करना है। अब हम आइसक्रीम को डीमोल्ड करने के लिए 3 to 4 मिनट्स के लिए हॉट वाटर में डिप करेंगे, बट इस बात का ध्यान रखेंगे कि पानी की मात्रा हमारे मोल्ड तक हाफ ही होनी चाहिए। इस तरीके से हमारे कुछ ही इंग्रेडिएंट से बाजार जैसी क्रीमी आइसक्रीम रेडी हो जाएगी। प्लास्टिक कप वाली आइसक्रीम को हम 2 से 3 मिनट के लिए हाथों से रब करेंगे और उसमें टूथपिक डालकर सर्व करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। टिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड।